जुलूस ए मोहम्मदी अमनो अमान के साथ सकुशल संपन्न होने पर शहर के मुतवल्लियों व जुलूस उठाने वाले सरबराहों का इमामबाड़ा मुतवल्लियान कमेटी की जानिब से एमएसआई इंटर कॉलेज में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में इमामबाड़ा मुतवल्लियान कमेटी के अध्यक्ष सैयद इरशाद अहमद ने बताया कि मोहम्मद साहब का जुलूस पूरे शहर में अमन व शांति के साथ जिस तरह से मुतवल्लियों ने निकाला है, जिसको देखते हुए सभी मुतवल्लियों का सम्मान किया गया है, जिससे सभी का हौसला बढ़ सके और लोग आगे भी इसी तरह से कार्य कर सके। उन्होंने बताया कि कुल 200 मुतवल्लियों को सम्मानित किया गया है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी के चेयरमैन चौधरी कैफुलवरा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए इमामबाड़ा मुतवल्लियान कमेटी के अध्यक्ष सैयद इरशाद अहमद ने कहा, ये तय हुआ कि शहर गोरखपुर इतना बड़ा शहर है, 40 लाख शहर है, यहाँ पर जल्दी एक वो इनाम और इकराम से नवाजा जाए। इसलिए आज ये मौका आया कि तमाम गोरखपुर शहर के चेयरमैन राज्य मंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इन्हें पसंद किया और इस मरतबे पर फाइज किया। अल्लाह का हुक्म कैफुलवरा का बहुत अच्छी भूमिका निभा है, इसके लिए मुबारक। तो आज जरूरत इस बात की है कि अगर जो आपके वहां बेटा पैदा होता है तो आप खुशियां मनाते हैं, आपके वहां बेटी पैदा हो तो कुंडला पैदा हुए तो हम खुशी क्यों ना मनाए। अब सवाल पैदा होता है, कुछ लोगों ने कहा चौधरी अयाज साहब, कुछ लोगों ने कहा सैयद इरशाद अहमद, जिला अध्यक्ष इमामबाड़ा मुतवल्लियान कमेटी। 12 रबीउल अव्वल का जुलूस, जुलूस मोहम्मदी पूरे महानगर में अमन और शांति के साथ जिस तरह से सभी मुतवल्लियों ने उठाया है, इसलिए मुतवल्लियों का सम्मान करने के लिए इमामबाड़ा मुतवल्लियान कमेटी ये फैसला की थी कि 25 अक्टूबर को मियां साहब इस्लामिया इंटर कॉलेज में सभी मुतवल्लियों का और अमन पसंद लोगों को सम्मानित किया जाएगा। उसी क्रम में लोग आ चुके हैं, सबको सम्मानित इमामबाड़ा कमेटी कर रही है। लगभग 200 मुतवल्ली को सम्मानित किया जा रहा है।